हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर फूड सीक्रेट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशल जरदा रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाकर आप अपने घर वालों के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसी मजीद अमेजिंग सी रेसिपीज आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने चावलों को अच्छे से धोकर उन्हें पानी में भिगो देना है। आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के लिए पहले इसे पानी में भिगो कर रख दें। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई सा भी बर्तन, पैन या कोई देगची वगैरह ले लें, उसमें आपने पानी भर देना है। तो पानी आपने इतना लेना है कि चावलों से थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि हमने उन्हें बॉयल करना है और चावलों की मिकदार जो है वो बॉयल होने के बाद ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से पानी आपने ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये पानी यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो पानी में यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम यहाँ पर जरदा कलर ऐड कर रहा हूँ। तो जरदा कलर ऐड करने के बाद आपने इसमें 5 से 6 अदद छोटी इलायची ऐड कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, और इसमें थोड़ा सा रेड कलर आप ऐड कर दें अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप जरदा कलर ही थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें, अगर है तो इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा आप इसमें मज़ीद रेड कलर ऐड कर लें, तो इससे इसका कलर जो है वो काफ़ी खूबसूरत बन जाता है। तो रेड कलर ऐड करने के बाद दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और इसका ऊपर से कवर चढ़ा दें और इसे बॉयल होने के लिए रख दें। तो जब इसका पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, बॉयल होने लग जाए, तो तब आपने इसमें हमारे जो चावल पहले हमने भिगो कर रखे थे उन्हें अच्छे से खुश कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं ये 1 kg चावल ऐड कर रहा हूँ। मैंने इसे पहले 20-25 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, अब मैंने खुश करके यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, और दोबारा इसका कवर जो है ऊपर से चढ़ा देना है। तो आपने इसे तकरीबन 80% इसे बॉयल कर लेना है। तो मुकम्मल बॉयल आपने नहीं करना, तो मुकम्मल से थोड़ा कम आपने 80% तक इन्हें बॉयल कर लेना है। तो बाकी जो है वो हमारे दम पर जब हम इसे रखेंगे तो तब ये हमारे जो चावल हैं वो मजीद जो है वो मुकम्मल यहाँ पर रेडी हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो यहाँ पर ये तकरीबन 80% तक बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़े लंबे भी हो गए हैं और नरम से हमारे चावल ये तैयार हो गए हैं। तो अब इसे आपने क्या करना है कि इसका पानी सेपरेट कर लें, इन्हें अच्छे से छान लें और किसी बर्तन में साइड पर रख दें। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर और इसकी लंबाई में इजाफा हो चुका है, और कलर बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी पैन या पतीले वगैरह में आपने ऑयल ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद छोटी इलायची यहाँ पर ली है, और इलायची लेने के बाद यहाँ पर डालने के बाद आपने क्या करना है कि हमारे जो चावल हमने खुश करके रखे थे वो सारे आपने इसमें ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चावल ऐड किए हैं इसमें। तो आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, इसका ऑयल के साथ इसे मिक्स कर लें। ज़्यादा देर आपने मिक्स नहीं करना, हल्का हल्का सा आपने हिला जुला कर इन्हें मिक्स कर लेना है, ताकि ये ऑयल और चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स होने के बाद आपने इसके ऊपर चीनी ऐड कर देनी है। तो चीनी आपने किस तरह ऐड करनी है कि यहाँ पर मैंने 1 kg चावल लिए हैं, तो मैं यहाँ पर 1 kg से थोड़ा कम मैंने यहाँ पर चीनी ऐड की है। तो आपने पहले इनकी पैमाइश कर लेनी है, जितना गिलास आपने चावलों के ऐड किए हैं उतना गिलास आपने चीनी के ऐड करने हैं। तो इस तरीके से, या आप 1 किलो इसमें चावल ऐड करें तो 1 किलो या 1 किलो से थोड़ा कम यहाँ पर ये चीनी यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने ये चीनी ऐड कर ली है। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसका ऊपर से कवर चढ़ा देना है और इसे कुक होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसका कवर जो है ऊपर से उतार लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी जो है वो तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। तो आपने इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर खुश्क मेवे वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ी सी गरी ऐड कर रहा हूँ, और उसके अलावा यहाँ पर बादाम को मैंने थोड़ी देर भिगो कर रखा था, और उसके बाद इसके ऊपर छिलके जो हैं वो मैंने उतार लिए हैं, और छिलके उतारने के बाद मैंने इन्हें लंबाई में इस तरीके से काट लिया है। तो यहाँ पर मैं ये बादाम ऐड कर रहा हूँ, और बादाम ऐड करने के बाद आपने इसमें ये किशमिश ऐड कर देनी है, या आप अपनी मर्जी से जो भी ऐड करना चाहें। तो यहाँ पर मैं किशमिश थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसे दम पर रख देना है। तो यहाँ पर मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख रहा हूँ। नीचे मैंने हल्की सी बिल्कुल लो से लो फ्लेम पर मैंने आग जला कर इसके ऊपर से कपड़ा गीला करके रख दिया है, जैसे हम दूसरे चावलों को दम पर रखते हैं। तो गीला कपड़ा करके कवर के ऊपर लिपेट कर मैंने रख दिया, और 10 मिनट के लिए मैं इसे लो से लो
फ्लेम पर इसे दम पर रख दूंगा। तो यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसके कवर उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम थोड़े से मज़ीद डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी मिठाई जो है, रसगुल्ले वगैरह यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए ऊपर। उसके बाद यहाँ पर मैं मज़ीद इसके ऊपर थोड़े से बादाम मैंने बचा कर रख दिए थे, वो ऐड किए हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये बाज़ार से खोया मंगवा कर रखा था, वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ। आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो खोया ऐड करने के बाद और ये मिठाई बादाम वगैरह ऐड करने के बाद हमारी ये अमेजिंग सी रेसिपी जो है, अमेजिंग से हमारे ज़रदा चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आप इन्हें अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसका जायका काफ़ी कमाल का यहाँ पर बन चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आपने इन्हें इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जैसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।